कौन से हम लोग सब कर रहे हैं, बात करो एक दूसरे से। मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम आपको, ऐसे कई वालिद है, मैं फिर कह रहा हूँ मैं बुराई से नहीं कह रहा हूँ लेकिन सिर्फ इस्लाह के नौते से, ऐसे कई वालिद है जिन्होंने अपने बेटे से पता नहीं कितने दिन पहले बात की थी, उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन बेटे से नहीं है, वो बोलते बेगम समझा दो लाडले को, बेगम जाती बेचारी जो पोस्टमैन रहती, बेटे अब्बा बोल रहे सुधर जाओ, बेटा बोलता अब्बा को बोल दो ये तानाशाही नहीं चलेंगी, फिर अम्मी जाके बोलते अब्बा बेटा बोल रहा कि नहीं मानता तुम्हारी बात, बेचारी थोड़ी इसलाह कर देती उसके अंदर, फिर वो बोलते अच्छा तुम्हारा लाडला बहुत ख़राब होगा उसको फुलां कर दो तो ये कर दूंगा, फिर वो जाके बोलती है लाडला बोलता है ठीक है देखा जाएगा, बहुत बार बोलते रहते ऐसा हो, ठीक है ठीक। हालत ये है कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं होता है, बीच में आपको एक खत लाने और ले जाने वाला लग रहा है, मैसेंजर लग रहा है। ऐसे कई वालिद हैं मैं जानता हूँ जो अपनी बेटियों से कभी बात नहीं करते, उनके इश्यूज़ क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके मसाइल क्या है उनको नहीं पता है, वो कॉलेज जाते हैं तो क्या फेस कर रहे हैं, अगर कॉलेज नहीं जाते कुछ काम करते तो क्या कर रहे हैं, घर में है तो क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, बातचीत तक हम एक दूसरे से नहीं करते हैं। इंसान घर में दाखिल हुआ, घर में दाखिल होकर अपनी चाबी लगाया, चाबी लगा के लेट गया, खत्म, लगता है ये सुकून और इत्मीनान।